हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। दोस्तों आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने पूरा सेटअप कर लिया है, अपने कैमरा मोबाइल सब कुछ फिट। ये अपनी बाइक है और आज हम इस बाइक से मोटो ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप चालू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप स्ट्राइकर अशोक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हमने पूरा कैमरा सेटअप कर लिया है, अभी ये देख रहे हैं कि रोड एकदम उखड़ा पुखड़ा पड़ा हुआ है, तो भाई इसमें थोड़े बाइक को अपना स्लो और संभाल के देखिए। अभी एक चाचा थे वो बताए कि आगे चेकिंग लगी हुई है, तो अपनी बाइक को यहाँ से घुमा लेते हैं, है ना। अब यहाँ से हमने अपने बाइक को घुमा लिया, अभी हम चलेंगे मेन रोड से क्योंकि आगे ये रोड बन रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे रोड खराब है क्या? हाँ, माटी की नहीं चढ़ता। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, धन्यवाद धन्यवाद चाचा, इन्होंने हेल्प कर दी थी मुझे, वहाँ से जाके वापस रिटर्न लौटना पड़ता। बताइए रोड इतनी ख़राब है ऐसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम मेन रोड की तरफ से चलेंगे, ये शॉर्टकट था तो मुझे लगा इधर से निकल जाना ज़्यादा ठीक रहेगा। इधर से रोड ख़राब है, कीचड़ है, अभी वापस आना पड़ेगा। दोस्तों जब मैं उधर से रिटर्न आ रहा था तो एक लड़का देखा मुझे दूर से, और मैं पूरा अपना पूरा बाइक को सेटअप कर रहा था तो बहुत देर से मुझे देख रहा था वो, और जैसे मैं चला तो मेरे पास आया कि बोला भैया मोटो ब्लॉगिंग करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ भाई, मैंने अभी भी शुरू किया है, और हालांकि चैनल तो मेरे बहुत ही पहले बना हुआ है, मैंने चैनल ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए ही बनाया था। तो बहुत खुश था देख के, उससे बहुत अच्छा लगा मुझे भी बात करके। फिर उसने मेरे चैनल का नाम पूछा, स्ट्राइकर अशोक, मैंने उसका नाम बताया और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। बहुत खुश था कि भैया हम भी इससे कुछ करना चाहते। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर मेरा नंबर लिया, मैंने कहा यार नंबर तो मैं इसे नहीं देता सबको पर्सनली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है आप रख लो, मैंने अपना नंबर भी दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिलहाल हम उस उबड़ खाबड़ रोड से मेन रोड पर आ गए हैं और इस रोड से होते हुए जाएंगे। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और आज रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तो जैकेट वैकेट पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है भाई। अरे कार आ गई क्या? होंडा सिटी, होंडा मिच, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये देखो बच्चा पार्टी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ठंडी में ये सब चलता रहता है, मैं भी तो बहुत खेलता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है कि आगे एयरपोर्ट का मेन गेट है, इलाहाबाद एयरपोर्ट है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है तो हमें बहुत ही सावधानी से गाड़ी यहाँ पे चलाना पड़ेगा। उतना भीड़ भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर हम सावधानीपूर्वक बाइक को, अपने वाहन को, अपने बाइक को चलाते हैं तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे काफ़ी दुकानें ओपन हो गई हैं, चाय नाश्ता जलपान गृह, और ये आप हम आ गए हैं एयरपोर्ट। ये आपका गेट है एयरपोर्ट का, ब्रेकर बहुत ही ख़तरनाक बनाया गया यहाँ पे। ये पेट्रोल टंकी यहाँ पे मिल जाएगी, अगर आप यहाँ से गुजरते हैं आपको पेट्रोल की ज़रूरत है तो आप इसी पेट्रोल टंकी से तेल डलवाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके का पेट्रोल मिल जाएगा आपको, और कोई मिलावट उलावट का सीन नहीं है भाई। तो अच्छे जगह से पेट्रोल लाएंगे तो आपकी बाइक बहुत ही बेहतरीन एवरेज देगी। हालांकि मेरे गाड़ी में है भाई, बाइक में इतना पेट्रोल है, इतना है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा तो अभी ज़्यादा डराने की क्या जरूरत है, बारिश होने लगी लग रहा है। कोई नहीं, अभी निकल चलते हैं यहाँ से। अभी बारिश हो गई, मुझे अपना फ़ोन बंद करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, अभी धीरे 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 बारिश है, अब निकल चलते हैं यहाँ से। अब मौसम ख़राब है, ये ठंडी का महीना है और ये नवंबर चल रहा है, इसमें बारिश हुई रात है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। अगर ऐसे बारिश होगी तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो शूट करने में भाई, कि हमारे जो भी डिवाइस होते हैं वाटरप्रूफ तो होते नहीं, तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये दिक्कत में आ जाएंगे हम। मोबाइल भी आप काफ़ी महंगा ले लिया हूँ। तो ये डबल लाइन पूरा बनेगा, ये पूरा बनेगा, पूरा कौसाम्बी जाएगा कौसाम्बी में, क्योंकि वहाँ पर किला है, जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, वो धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक जगह है, तो वहाँ तक ये रोड जाना ही जाना है। उसके आगे जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा। जहाज आ गया है अपने आगे भाई, इससे आगे निकलते हैं, ये खतरे की घंटी रहती है, सबसे भिड़ सकते हो लेकिन ये जो जहाज है ना, ये हैवान है, इसके आसपास रहना तो समझ लो मुश्किल ही है भाई सबके लिए, तो बच के रहिए। अभी यहाँ पे देखिए दोनों तरफ, दोनों साइड रोड को जो है काट दिया गया है, बीच में जो पुरानी है, ये जो रोड आप बराबर देख रहे हैं ना, ये पुरानी है, ये पुरानी रोड है, और इसके साइड साइड जो है ना उसको काट दिया, अभी चौड़ा होगा, बीच से डिवाइडर बनेगा, तो ये सब सिलसिला चलता है।
काफ़ी ये चौराहा था, ये जितनी दुकानें थी बहुत ही नज़दीक थी यहाँ पे, अभी सब तोड़ के बाहर कर दे ये पेड़, ये जितने भी ये काटा हुआ जगह है यहाँ पे, सब यहाँ पे पेड़ था, सब पेड़ को हटा के काट छाट के अलग कर दिया गया है। अब मतलब रोड बनता है तो पेड़ कट जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रोड कितनी ख़राब है और दोनों तरफ टूटी फूटी है, एकदम बिल्कुल चलने लायक ये है नहीं। ये इलाहाबाद से आते हुए कौसाम्बी को ये हाईवे कनेक्ट करता है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ये अपनी बाइक है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और रोड इतनी बेकार थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी गंदी रोड और इतनी बारिश, कीचड़, रिस्क बहुत था, इसलिए मैंने वहाँ पे बंद कर दिया। अब हम चल दिए हैं इधर, ये कौसाम्बी रोड है जहाँ पे एक तिलापुर जगह पड़ता है, उसे हम क्रॉस कर चुके हैं और तिलापुर के आगे हैं कौसाम्बी की तरफ, कौसाम्बी जिले में तिलापुर पड़ता है, तो उसके आगे हम लोग जा रहे हैं कबीरराम कटरा, इसके आगे चौराहा पड़ेगा। वहाँ की एक चीज़ बहुत ही फेमस है, जो भाई हमारे कौसाम्बी के हैं ना उन्हें तो पता है, हो सकता है ये वैसी चीज़ तो पूरे इलाहाबाद में भी नहीं मिलती जितनी जो चीज़ें वहाँ पे फेमस है। वहाँ वो फेमस है, अगर उसका मैं नाम बताऊँ तो वो मुंगौरा। मुंगौरा अगर आप जानते हैं, कोई भी बंदा अगर यहाँ पे आता है तो वो खाता ज़रूर है, समोसा जलेबी मिठाई साइड में रहती है, लेकिन वो मुंगौरा खाता है, क्योंकि यहाँ का मुंगौरा फेमस है भाई। एक तरफ से बाज़ार सब्जी मंडी के तरीके लगी होती है। अभी चलते हैं उस चौराहे में पहुँच के आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं कि आज मैंने व्लॉगिंग जब भी, जैसे मैंने बाइक लेके निकला ना, तो रूम से बाइक निकला तो एयरपोर्ट के पास पहुंचने ही वाला था, तो वहां पे एक बंदा मिला मुझे, तो दूर से देखा कि मेरा पूरा सेटअप देख के, तो रुकवाया कि भाई रुकिए, तो मैं रुका और बातचीत हुई। स्टार्टिंग मैंने उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, और वहाँ से मैं निकला और तो उसके बाद यहाँ पे एक तिलापुर पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि तिलापुर जगह पड़ेगा, चौराहा पड़ेगा, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैं एक पेड़ के नीचे अपनी बाइक को लगाया और उसके जस्ट सामने वो था मेडिकल स्टोर, तो मेडिकल स्टोर वाला मैं करीब 10 मिनट उस पेड़ के नीचे खड़ा था, क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही थी और पेड़ के नीचे पेड़ काफ़ी घना था, तो बारिश की बूंदे नीचे तक आ नहीं रहे, तो वहाँ पे खड़ा था। तो मेडिकल स्टोर वाला मुझे बहुत देर से देख रहा था, क्योंकि कस्टमर वो खाली मुझे देख ही रहा था, क्योंकि उसके सामने, उसकी दुकान के सामने मैंने अपनी बाइक लगा दी। तो जैसे मैं 10 मिनट 5 मिनट वेट करने के बाद बारिश ख़त्म हुई और मैं निकला, तो निकलते जैसे मैंने हेलमेट लगाया, ग्लव्स लगाया, ये सब पूरा ग्लव्स वगैरह पहना ना, तो मुझे बोला कि भाई आ जाओ, तो मैं गया वहाँ पे। भाई सबसे मज़े की बात ये है कि बोला कि भाई आप चैनल बता दो, सब्सक्राइब कर देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तक बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखता था कि भाई सबके फैंस हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक है यार, अच्छा है, फेमस है तो। लेकिन आज यार ये मेरे साथ हुआ, मुझे दो ही लोग मिले भाई, इतना अच्छा लग रहा है कि अभी मैं खुशी का कोई ठिकाना है नहीं। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा ना तो ये 2 से 2 हज़ार हो जाएंगे, 2 लाख भी हो जाएंगे। अरे निकल जा भाई, हारन दे रहा है, तेरे लिए ही तो रोड बनी है और क्या। राम सजीवन स्कूल है ये कटरा, और ये बेनीराम कटरा और तिलापुर दोनों के बीच पड़ता है ये राम सजीवन स्कूल, आपको ये पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका बीएससी पीजी कॉलेज है। तो कुछ लड़कियाँ खड़ी थी, मैं ऐसे इशारा किया, तो हालांकि मैंने कॉलेज दिखाया भाई, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। खैर बारिश के टाइम में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है। सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बाइक चलाने में बारिश के टाइम पे, क्योंकि रिस्क इतना ज़्यादा होता है रोड पे, आप ऑन रोड ऑफ रोड कहीं भी चलेंगे और किसी भी बाइक कार के लिए ना प्रॉब्लम तो हो ही जाती है भाई। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कटरा हम पहुंचने वाले हैं, इसका नाम है बेनीराम कटरा, कटरा के नाम से प्रयागराज इलाहाबाद में भी एक जगह है, तो वो वाला कटरा मत समझ लीजिएगा प्रयागराज वाला, ये कौसाम्बी वाला कटरा, ये पेट्रोल टंकी भी है यहाँ पे, ये देखिए पेट्रोल टंकी भी है, ये बेनीराम कटरा है कौसाम्बी का, यहाँ से 2 रोड है, ये हम बेनीराम कटरा भी आ चुके हैं, ये तिराहा है यहाँ पे, ये देखिए ये सीधी रोड मंझनपुर की तरफ जाती है, ये सराय के लिए होते हुए आपको कौसाम्बी किला जो है वहाँ पे चली जाएगी। अब हम चलेंगे मंझनपुर वाली रोड साइड, क्योंकि मेरा घर इधर ही पड़ता है इस साइड से, मंझनपुर करारी वाली रोड है ये। ये देख लीजिए मुंगौरा, यहाँ का फेमस मुंगौरा, यहाँ पे इस साइड पे पूरा टोटल अपोजिट साइड तो ज़्यादा दुकान थी, उस साइड में दिखा नहीं पाया, ट्रैफिक है तो ध्यान भी रखना है, अपने आप को भी संभल के निकलते हैं अभी बस के आगे। ये आप देखिए ये पेट्रोल टंकी है, ये क्या नाम है इसका, KBS, ये देखिए ये पेट्रोल टंकी है, किसान शक्ति बायो डीजल फिलिंग, ठीक है ना, ये पेट्रोल टंकी आप यहाँ पे जो है
पेट्रोल डला सकते हैं। इसके जस्ट आगे एक और पेट्रोल टंकी मिलेगी राइट साइड, आप वो भी दिखाते हो, शायद इंडियन ऑयल का पेट्रोल टंकी। तो आपको मतलब इस रूट पे ना तो पेट्रोल डलवाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर 5 किलोमीटर में एक पेट्रोल टंकी आपको मिल ही जानी है। इस रूट पे चलने का तो एक भाई ये बेनिफिट है कि ये गेस्ट हाउस है, ये प्रकाश गार्डन गेस्ट हाउस है। चलो मैंने इसका प्रचार भी कर दिया, भाई बुक कर लेना इसको अपने पिसादी में। ट्रैक्टर वाला जहाज आ रहा है, देख रहे हो बाइक को नहला रहे भाई लोग। सनम रे सनम रे। बारिश के टाइम में तो बारिश होती नहीं है, और जब बारिश के समय नहीं होता तो बारिश होती है, पूरा भरा हुआ है चारों तरफ। ये तालाब देखिए पूरा भरा हुआ है। ये पेट्रोल टंकी, मैंने कहा ना कि हर 4-5 किलोमीटर पेट्रोल, ये इंडियन ऑयल के पेट्रोल टंकी मिल जाएगा आपको। अभी हम इस गांव के बीच में है, तो स्कूल की छुट्टी हो गई, सभी बच्चे स्कूल से अपने अपने घर जा रहे हैं। गाँव में भी लोग पढ़ाई लिखाई का बहुत ही ध्यान देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कम सुविधाएं होती है लेकिन पढ़ाते हैं, अच्छी बात है पढ़ाना चाहिए। हम पढ़ते लिखते हैं तो हमारे पास दिमाग बुद्धि आती है, चीज़ों को समझ पाते हैं, डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिल जाती है खुद से, हमें किसी और के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इतने सक्षम हो जाते हैं पढ़ लिख के कि हम अच्छा बुरा का क्या करना है उस पर हम ध्यान दे लेते हैं। ये भैंस है चारा खा के जा रही है घर, आप देखते रहिए, गाँव आए हैं तो भाई यही तो देखेंगे, अब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये गौशाला बना हुआ है इस साइड, आप समझ ही रहे होंगे, ये पूरी गाय यहाँ से वहाँ तक पूरा बांधा गया है, पूरे इनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं टीन से और चारा पानी का। ये पूरा ये इसका मेन गेट है, अस्थाई गौशाला बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों मैं एक बात आपसे बताना भूल गया, और वो मुझे बहुत तकलीफ देती है, हालांकि सभी को तकलीफ देती है। जो लोग कभी भी, क्या होता है ना कि आप बाइक चलाते हैं, किसी भी गाड़ी वाहन चलते हैं, तो ये कि वो लोग गुटखा या पान सुपारी जो भी खा के तो वो क्या है थूकते हैं। गाड़ी से रहेंगे तो कुछ इतने कलाकार आदमी रहते हैं कि वो हेलमेट वाला लगा लगा के थूक देंगे, और हेलमेट में एक भी उसके मतलब हेलमेट गंदा भी नहीं होता, और हेलमेट लगा रहेगा थूक लेते हैं, वाह क्या कलाकार ही लोगों की। और बस से भी लोग खिड़की के सामने बैठ के थूकते रहते हैं, तो मैं इन लोगों से बोलना चाहूँगा कि भाई अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो अगर मेरे से सामना हो गया ना तो ज़िंदगी में थूकना बंद कर दोगे आप, बस गाड़ी के अलावा भी ऐसे पैदल भी नहीं थूकोगे, ऐसा तो आपको समझाऊंगा। तो ये मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, आप थूकना बंद कीजिए। आप कोई कहीं जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, या कोई पीछे किस मूड में है, किस स्थिति में है, आप है उसके सामने, तो थोड़ा सा क्या है ना कि ये अच्छा नहीं लगता, ये गंदा है। आप थूक रहे हो तो ये आपका ही थूक, उसको पी जाओ ना भाई, क्योंकि आपके मुँह का है, आपका ही तो लार्वा है, वो आपका है तो लार्वा, तो उसको पी जाओ, थूक क्यों रहे हो। और गुटके में तो आपने पैसे लगाए हैं, तो उसको जब पियोगे ना तो वो अमृत के समान काम करेगा, फिर ये तो ज़्यादा फायदा करेगा, तो इसलिए ये सब पी जाओ, थूकने के कोई मतलब नहीं निकला। कोई डॉक्टर नहीं बोलता गुटका क्या थूकना चाहिए, उसको पियो गुटका मैंने सुधर जाओ भाई। नहीं, क्योंकि मैं कईयों को सीधा कर चुका हूँ, अब तो मैंने मोटो ब्लॉगिंग भी शुरू कर दिया है, अब तो मेरा काम ही ऐसे कंटेंट ऐसे तत्व को ढूंढ के उनको सही से ठिकाने लगाना। मैं तो अब जानबूझ के भिड़ूंगा, अब मुझसे टकराए भाई कोई, मिलते हैं फिर उससे हम के साथ नई बातें। और आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त है जिसको गुटखा खाने के पिचर पिचर थूकने की आदत है ना, तो वो सुधार ले भाई, तो मैं ही नहीं मेरे जैसा कोई भी लड़का होगा तो आपको ठिकाने लगा देगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा, और तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।